हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक 1 to 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, आज 21st से करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा है अमित एंड सुमित एंटर्ड इन टू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड इन्वेस्टेड 1,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टली। अमित और सुमित दो पार्टनर बता रखे हैं और दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 1,50,000 और 2,50,000। आगे बता रखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो कि 10% है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दो टाइप की कैपिटल होगी, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल। जब कभी भी फिक्स्ड कैपिटल आएगी तो जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो सारी करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। फिक्स्ड कैपिटल होगी तो उसका कैपिटल अकाउंट तो ओपन होगा एज वेल एज करंट अकाउंट भी ओपन होगा। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन जैसे आईओसी, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, बस ये चेंज है। आगे बता रखा है द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ₹1,00,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। लिखा है पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी एंट्री पास करनी है, बस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे लिए प्रॉफिट का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, वर्किंग में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। यहां निकालते हैं जरा उसका वर्किंग में। अमित का निकाल लो कितना बनता है। अमित की कैपिटल दे रखी है 1,50,000, इनटू करो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। डेट कोई स्टार्टिंग रेट है तो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो डायरेक्ट कर दो सीधा कितना आ गया 15,000। एक का तो ये आ गया, ये किसका आ गया, अमित का। अब सुमित की बात करो, सुमित की कितनी कैपिटल दे रखी है 2,50,000। अच्छी तरह से देखना क्वेश्चन में, रेट 10%, ये कितनी बन गई 25,000। यानी कि हमें दोनों के इंटरेस्ट पता चल गए, एक का तो इंटरेस्ट बनता है 15,000 और एक का बनता है 25,000। हमसे खाली क्वेश्चन में जर्नल एंट्री इंटरेस्ट की मांग रहे हैं, तो इंटरेस्ट की पास करते हैं। अब यहां पर आप लिखा करो सबसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट जिसको देनी है, किस किस को देनी है, एक तो अमित को, और यहां जरा ध्यान रखना अमित करंट अकाउंट लिखेंगे, ये हम उसको अलाउ कर रहे हैं अभी, तो सुमित करंट अकाउंट। क्यों लिखा, कैपिटल नहीं लिखा हमने यहां, करंट अकाउंट लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, तो जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम हम ट्रांसफर करते हैं सारे करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। अब यहां कितना हो गया, इसकी तो 15,000 थी याद करो, और इसकी 25, तो यहां पर कितना लिख देंगे 40,000। ये चीज क्लियर है, ये तो इंटरेस्ट आपने अलाउ किया उसको। यहां नरेशन भी लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर। अब इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। अब सेकंड एंट्री पास करो, जो इंटरेस्ट था उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। डेट यही आएगी मार्च 31st। लिखो यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू करो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये रहा, कितना अमाउंट बन गया टोटल 40,000, क्योंकि टोटल एक्सपेंस कितना था हमारा 40, जो फर्म हम पार्टनर को पे करते हैं वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर कर दिया हमने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और यहां पर नरेशन भी लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर, बस खत्म हो गई, ये नरेशन बन गई हमारी, क्लियर है। तो यानी कि दो एंट्री पास करनी थी हमें, एक पहले इंटरेस्ट ड्यू करो, अलाउ करो उनको, और फिर उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करो। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जगह सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो कैसे सिंगल बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैंसिल करें तो क्या एंट्री बन गई, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू अमित करंट। तो हम ये भी लिख सकते हैं, देखो मैं यहां रफ में लिख देता हूं, एक एंट्री आप डायरेक्ट ये भी पास कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित करंट अकाउंट
और टू सुमित करंट अकाउंट। हम सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, याद रख लेना इसकी जगह, बट कोशिश ये करो दो एंट्री पास करो, ज्यादा बेटर है। ये तो 40,000 हो गया, ये 15,000 और 25,000, इन दोनों की जगह ये सिंगल एंट्री भी पास हो सकती है, लेकिन ट्राई करना चाहिए दो एंट्री पास करो, वो ज्यादा बेटर है। तो आ गया क्वेश्चन समझ, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करा इस क्वेश्चन में, रफ में वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, फिर इंटरेस्ट को अलाउ करो पार्टनर को, फिर इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। इन दोनों की जगह मैंने आपको बताया दोनों को हटाकर ये एंट्री भी पास हो सकती है, तो दोनों में ही मार्क्स पूरे मिलते हैं, चाहे आप ये वाली करके दिखा दो चाहे ये करके दिखा दो। क्लियर हो गई। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 22nd क्वेश्चन की बारी आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी पर बेस्ड है जैसे पिछला क्वेश्चन था। लिखा है कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच एज ऑन 31st March 2022। दो पार्टनर है कमल और कपिल, और दोनों की कैपिटल बता रखी है 5 लाख 5 लाख। कहता है कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1st October 2022। कमल ने जो है ₹1 लाख इंट्रोड्यूस किया है आफ्टर 6 मंथ 1st October को। Whereas Kapil withdrew 1 lakh on 1st October 2022 out of capital. एक पार्टनर तो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, एक पार्टनर अपनी कैपिटल में से 1 lakh withdrew कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होगा? 10%। कहता है द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करनी है एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। तो पहले तो यहां पर चेक करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। ये देखो, ये तो कमल का लिख लो, बहुत ध्यान से देखना इसको। उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, ये रहा, रेट आपको दे रखा है 10%, तो 100 हो गया। अच्छा, क्योंकि उसने आफ्टर 6 मंथ 1 लाख रुपए इंक्रीज किया है, तो जहां पर इंक्रीज करा है वहां तक का इंटरेस्ट दे दो पहले, इनटू करो 6/12। ये क्यों करा? उसके 1st October तक कितने इन्वेस्ट है बिजनेस में? 5 लाख, तो वहां तक का तो इंटरेस्ट बनता है 6 मंथ का। प्लस अब आप उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दो। क्यों इंक्रीज करी? क्योंकि उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है बिजनेस में। तो आज के बाद 1st October से उसकी कैपिटल बिजनेस में कितनी आ गई? 6 लाख। इनटू कर दो यहां पर 100 और इनटू कर दो 6/12, क्योंकि ये तो अक्टूबर से मार्च तक का पीरियड हो गया और ये 1st April से लेके 30th September तक का हो गया। हम इसको अलग भी कर सकते थे, कैसे? 5 लाख पर तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दो, और इसके ऊपर क्या करो 1 लाख के ऊपर 6 मंथ का लगा दो। तो दोनों में से जो बेटर लगे आप वो कर सकते हो। अब ये कितना आ गया जरा चेक करें, तो इसको जरा करते हो तो 25,000 आ गया, और प्लस उसको जब आप करते हो तो 30,000 आ गया। तो ये तो हमें पता चल गया, एक का तो इंटरेस्ट कितना बन गया? 55। ये चीज क्लियर हो गई। ये किसका निकला है? कमल का। दोबारा समझ लो, जितनी कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करता है बिगिनिंग में वो लिखो, जैसी चेंज हो उस डेट तक का इंटरेस्ट चार्ज कर दो। 1st October को चेंज हो रहा था बिजनेस में, उसने एडिशनल लगाए, तो वहां तक कितने मंथ बने थे? अप्रैल से काउंट करेंगे 6 मंथ, 6 मंथ का लग गया। फ्रॉम अक्टूबर से उसकी कैपिटल या तो प्लस हो सकती है माइनस, इसने एडिशनल इंट्रोड्यूस करी है तो इसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, जितने से इंक्रीज 1 लाख रुपए एडिशनल लगाई थी तो 6 लाख बन गई। 6 लाख के ऊपर 6 मंथ का लगाओ मार्च तक लगाने, या दूसरे तरीके से कर लो 5 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दो तो वो बनेगा 50,000, और जो एडिशनल लगाई उसका अलग लगा दो 1 लाख का 6 मंथ का, वो कितना बन जाएगा आप करोगे तो? वो बनेगा 5,000, तो 55। दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब यहां निकाल लो कपिल का। कपिल की भी कैपिटल 5 लाख है स्टार्टिंग में, इसकी भी चेंज हुई है अक्टूबर में, वही काम करेंगे, इसका भी 6/12 करो यहां, क्लियर है? और उसके बाद प्लस करो, इसकी कैपिटल डिक्रीज हो गई क्योंकि इसने अपनी कैपिटल में से विड्रू कर लिया। जब विड्रू करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी अक्टूबर में, तो अक्टूबर से फिर इसको कम इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इनटू करो 10/100 और इनटू 6/12। ये मार्च तक काउंटिंग कर रहा हूं मैं, याद रख लेना, क्योंकि हमें 31st मार्च तक इंटरेस्ट देना है फ्रॉम 1st अप्रैल से। ये तो बना 1st अप्रैल से लेके 30th सितंबर तक का, ये 1st अक्टूबर से बना 31st मार्च तक का। इसको करते हो तो ये तो 25,000 आ गया कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन आप करते हो तो 20,000 आएगी। टोटल कितनी बन गई? 45। दोनों के इंटरेस्ट पता चल गए, ये रे, क्लियर है यहां तक?
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसको जर्नल एंट्री में पास करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो बन गया 1,00,000 रुपी, ये समझ आ गया। और टू करो यहाँ पर कमल, करंट अकाउंट लिखना, क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखी हुई है, मैंने आपको बताया जब भी फिक्स्ड कैपिटल होगी तो हर ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट के थ्रू होगी। और टू करो यहां पर आप कपिल, कपिल्स करंट अकाउंट, एक की तो बनी थी 55,000, एक की बनी थी 45,000, ये चीज समझ आ गई। ये तो बन गया एक एंट्री जो अलाउ करा, इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये तो एक जर्नल एंट्री बनी। अब इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, अब इसकी एक और एंट्री पास करो, ये तो अलाउ करने की हुई, अब इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, डेट डाल दो 31 मार्च, यहां लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और टू कर दो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज क्लियर है, बहुत आसान है दोनों क्वेश्चन अभी तक जो हुए। कितना बना टोटल 1,00,000 रुपी, 1,00,000 रुपी ट्रांसफर कर दो, कहां से 1,00,000 आया, ये रहा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 1,00,000 था, इसको ट्रांसफर कर दिया हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड, ये लो, ये बन गई हमारी एक एंट्री, ये तो बन गई ये। इन दोनों को यदि क्लब करें तो एक एंट्री पास कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल दिख रहा है, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपी, और टू क्या नाम था, कमल्स करंट अकाउंट, कमल्स करंट अकाउंट ये भी कर सकते हैं, और टू कपिल्स करंट अकाउंट, कपिल्स करंट अकाउंट ये 55 और ये 45, इन दो की जगह ये एंट्री भी पास कर सकते थे सिंगल, लेकिन कोशिश करा करो दो एंट्री पास करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ये चीज क्लियर हुई। अब इसका बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट है। पहले तो प्रॉफिट लिखा करो जितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में 6,00,000 रुपी दे रखा है, लिख दो यहां पर जितना दे रखा है वो पुट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,00,000 रुपी, ये क्वेश्चन में मेंशन है, नोट करना आप, और ब्रैकेट में लिख भी दिया करो नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ है। अब यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो जो आपने फाइंड आउट करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का तो था कमल का और एक था कपिल, यहां लिखो एक का 55,000 बना था और एक का 45,000, टोटल मिलाकर हो गया 1,00,000, एक ही एक्सपेंस है बस जो देना था। अब इस अकाउंट को बंद कर दो, बस उधर का टोटल ज्यादा दिख रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, 6,00,000 रुपी का तो प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस से, 1,00,000 हमने आईओसी देना है फर्म ने, तो जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां पर लिख दो तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहां लिखो कमल्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, और कपिल्स करंट अकाउंट, कितना प्रॉफिट आ गया आपको याद हो, 5,00,000 रुपी, ये देखो जरा 5,00,000 रुपी कैसे आया 5,00,000 रुपी, ये भी देख लो टोटल आपका डिविजिबल, यहां लिख लिया करो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ये वर्किंग में बता रहा हूं मैं आपको, 6,00,000 रुपी का प्रॉफिट था ये दे रखा है, 1,00,000 का एक्सपेंस है माइनस करो, पार्टनर को कितना डिविजिबल करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5,00,000 रुपी, ये 5,00,000 रुपी हमने ले लिया, ये रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो किस रेशियो में दे देंगे, 1:1, यानी कि 2,50,000 एक को और 2,50,000 एक को, खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। कैसे करना है दोबारा समझ लो, सबसे पहले प्रॉफिट लिखा करो, फिर जो एक्सपेंस देने हैं पार्टनर को, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज द एक्सपेंस फॉर द फर्म, वो यहां लिख दो जितना था, उसके बाद जो बच गया प्रॉफिट पार्टनर को ट्रांसफर करो उनकी करंट अकाउंट में। करंट में क्यों करना, बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल है, कुछ नहीं लिखा होगा या करंट अकाउंट के बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे, तो मीनिंग है फ्लक्चुएटिंग है,
तो उस केस में तो हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कभी कैपिटल के साथ करंट अकाउंट के बैलेंस आ जाए या कैपिटल के साथ लिख दे फिक्स्ड, तो जितना भी ट्रांसफर होगा सारा करंट अकाउंट के थ्रू होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 23rd, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लिखा है सिमरन एंड रीमार पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। कहता है देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर रुपी 2 लाख ईच, उन दोनों की कैपिटल बता रखी है 2 लाख, दोनों की सेम है 2 लाख 2 लाख। वेयर एज करंट अकाउंट हैड बैलेंस ऑफ रुपी 50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टली, उनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी है। तो मैंने आपको बताया था इट इज द फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की क्या पहचान है, जब क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट भी दे रखे और कैपिटल भी, इट्स मींस वो फिक्स्ड कैपिटल है, या क्वेश्चन में क्लियर लिख दे कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे सारी करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, बस ये चेंज है अभी अभी, आप इतना समझो, जैसे क्वेश्चन आगे आएंगे तब और क्लियर कर देंगे इनको। लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट कितना अलाउड है 5%। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 वॉज रुपी 3 लाख, और प्रॉफिट बता रखा है 3 लाख। पास द जर्नल एंट्री 4, अच्छी तरह से याद रखो जर्नल एंट्री के आगे लिखा है 4, किस चीज की एंट्री पास करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। ऑल्सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है, एक तो इंटरेस्ट की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, देखो ये तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आ गया, पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। मैं आपको यहां दिखाता हूं दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने बने। देखो पहले तो सिमरन की बात करो, ये वर्किंग नोट बना लिया करो, ये रहा ये वर्किंग नोट्स, और इसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्किंग में बनाना है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी है। पहले तो सिमरन की बात करो, ये रही सिमरन, एक पार्टनर का नाम तो सिमरन है, उसकी कैपिटल है 2 लाख रुपी, इनटू करो 5/100, 5% का रेट है तो कितनी बन गई, एक की तो आ गई 10,000। ऐसे ही दूसरे का नाम है रीमा, रीमा की निकाल लो, रीमा की भी बाई चांस कितनी दे रखी है 2 लाख, इनटू करो 5/100, कितना आ जाएगा ये भी 10,000। यहां तक क्लियर हो गया, दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गई, एक तो एंट्री होगी और प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में एक साथ पास कर देंगे। देखो प्रॉफिट आपको दे रखा है टोटल 3 लाख रुपी का, ये रहा ये 3 लाख, इसमें से आप IOC माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को, ये रहा ये जो 2,80,000 आ गया ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया, याद रख लेना 2,80,000, जो कि कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में जो दे रखी है। अब एंट्री पास करते हैं यहाँ, ये लो पहले तो यहाँ डेट डाल दो, आप यहाँ लिखो 2023 और मार्च 31st, एक एंट्री तो करो इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना इंटरेस्ट बना टोटल 20,000, कैसे बना 20, पहले का भी सिमरन का भी 10,000 है और रीमा का भी 10,000 है, तो दोनों का कितना बन गया 20,000 लिख दो। फिर यहां लिखो टू, ये तो अलाउ कर रहे हैं हम उनको, सिमरन करंट अकाउंट क्यों करंट में किया, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है और जो करंट अकाउंट के बैलेंस है उनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, याद रख लेना, उससे तो हमें ये पता चल गया कि फिक्स्ड कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा चार्ज किस पर होगा, कैपिटल बैलेंस पर, करंट अकाउंट के बैलेंस पे कभी नहीं होगा, जो कैपिटल के बैलेंसेज गिवन होंगे उन पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। टू करो या रीमा कैपिटल, रीमा करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल भूल गया मैं, 10,000, ये चीज क्लियर है। अब इसकी नरेशन पुट कर दो, लिख दो यहां पर बींग इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स, अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, एक एंट्री तो ये बन गई, ये तो थी अलाउ करने की। अब इसको P&L प्रोपेशन में ट्रांसफर करते हैं, सेकेंड एंट्री लिखो यहां, मार्च 31st आएगी वो भी, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो सेकेंड एंट्री हुई, 20,000 ट्रांसफर करो,
अब इसकी नरेशन भी पुट कर दो, लिख दो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। एक एंट्री पास करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। इन दोनों की क्लब करके एक एंट्री भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले दो क्वेश्चन में, रिपीट किया। यहां लिख लो आप इनकी जगह क्या हो सकता है, देखो आईओसी से आईओसी कैंसिल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट, ये भी कर सकते हैं हम, ये दो भी कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं। अब ये एक और एंट्री देखो जो प्रॉफिट ट्रांसफर की थी, ये इंडिविजुअल प्रॉफिट, इसकी एंट्री पास कर दो यहां पर, लिखो ये भी डेट वही है एंड में ही कर रहे हैं हम, मार्च 31st। यहां लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेट टू सिमरन करंट अकाउंट, और दूसरा क्या था रीमा करंट अकाउंट और टू रीमा करंट अकाउंट, ये लो ये भी एक एंट्री और हो गई। इसमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, वो भी अभी बना देते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना आया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 280, प्रॉफिट तो दे रखा था 3 लाख, लेकिन 3 लाख ये रहा, 3 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा तो जो बचेगा इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यही पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। ये कौन सी रेशियो में जाएगा वो भी नोट कर लो, 3:2 में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन है। इसको यदि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक का तो बनता है 1,68,000, आप कर लेना, और एक का बनता है 1,12,000, ये चीज समझ आ गई। ये दोनों का यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया, के दिखा देता हूं, देखो ये 168 कहां से आया, यहीं पर कर देता हूं थोड़ा सा, 2,80,000 इंटू करो 3/5, ये तो 168 आ जाएगा जो पहले का है, ये आपने करना नहीं आपको समझाने के लिए है, ऐसे ही दूसरे का कर दो 2,80,000 इंटू ये 2/5 कहां से आया वो भी समझ लो, जो 2/5 है। जब भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो रेशियो दे रखे उनको क्लब कर, दोनों को ऐड करो, वो डिनोमिनेटर लिखो और पहले वाले का ऊपर लिख दो दूसरे का नीचे। अब इसको यहां नरेशन लिख दो, बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि क्या थी, इंटरेस्ट अलाउ करो, फिर उस अलाउ इंटरेस्ट को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो। ये एंट्री भी मांग रहा था कि इंडिविजुअल प्रॉफिट की भी एंट्री दिखाओ, जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी हमने करके दिखा दी, इसकी कैलकुलेशन भी दिखा दी, 168 कहां से आया ये रहा, ये आपको रफ में दिखानी है, अब स्पेस नहीं था तो मैंने यहीं कर दिए। अब इसका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन तैयार करते हैं। सबसे पहले तो देखो प्रॉफिट लिखा करो, ये रहा प्रॉफिट साइड, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते हैं, डेबिट साइड में लॉस लिखते हैं। यहां लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज द नेट प्रॉफिट, कहां से आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था ये। ये लिखो जितना दे रखा है, क्वेश्चन में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बता रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड जितने भी एक्सपेंस है डेबिट में लिखते हैं, एक ही इनकम है जो क्रेडिट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आप याद रख लो, अदरवाइज एक्सपेंसेज इधर आएंगे। इस क्वेश्चन में एक ही एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो जी, किस किस का था, एक तो सिमरन का और एक रीमा, दोनों का दिखा दो, दोनों का 10,000 बन रहा है, जो हमने अभी कैलकुलेट भी करा था याद करो 20,000 आ गया, ये चीज समझ आ गई, और कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो अब ये इंडिविजुअल प्रॉफिट आ जाएगा, निकाल लो उधर की साइड ज्यादा है, लिख दो 3 लाख रुपए, ये लिख दो 3 लाख। ये जो आपका आ गया 2,80,000, ये कैसे आया 2,80,000, यहां लिख भी लो आप वर्किंग में, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, टोटल प्रॉफिट लिखो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 3 लाख रुपए दे रखा है, ये रहा, माइनस कर दो जो एक्सपेंस दे रखे हैं 20, ये जो है 2,80,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में सिमरन में और उसमें, कौन सी रेशियो में, 3:2, एक का बना था 1,68,000 अभी हमने कैलकुलेट करा, एक का बना था 1,12,000, ये तो रीमा का है और ये सिमरन का। अब ये ट्रांसफर कर दो, यहां लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, एक तो सिमरन और एक रीमा, सिमरन का तो आया था 1,68,000 और ये कितना आया था 1,12,000, इसी रेशियो में किया हमने ये 3:2, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन थी। क्लियर हो गया, बहुत आसान था, छोटा सा था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लिख दो उसके बाद जो एक्सपेंस है वो लिख दो,
फिर ये जो बच जाएगा इट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये पार्टनर में ट्रांसफर कर दो। रेशियो नहीं दे रखी तो इक्वली हो जाएगा, रेशियो दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया। तो आज हमारे अब ये तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आज 21st, 22nd और 23rd तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, जर्नल एंट्री भी मांग रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।